नाम हाजी सादिक साहब है मरहूम, तो उनकी याद राय दाणी बोल रहे हैं इसको जी। मैं आपको मेज़बान शरद शबीर के साथ डडियाल एच डी टी वी मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हुए, आज हम कोटली की तरफ जा रहे थे ऐसे ही सफ़र करने के लिए, तो हम राजधानी के मुकाम पर एक खड़े हुए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका व्यू, हमारा कैमरा को दिखाएंगे कि माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू है। तो ये अभी हम जानेंगे इसके इससे और चीज़ें कि पार्क में ये पार्क है या क्या सिस्टम है। यहाँ पर एक पीछे का बस्तान भी दिखाई दे रहा है, तो देखते हैं अभी आगे यहाँ पर बैठे हुए हैं कुछ इंसान, तो उनसे पूछेंगे कि ये कौन सी जगह है, तो आपको फिर इसके डिटेल में आपको बताते हैं। ठीक है, तो अभी हमने आपको बहुत सारा व्यू दिखाया, अभी हम आपको क्लियर कट दिखाएंगे कि ये एक असल में कब्रिस्तान है। तो हमारे कैमरा मैन आपको दिखाएंगे, ये देखिए ये कब्रिस्तान है, यहाँ पर काफ़ी सारे कब्रें बनी हुई हैं, तो हमारे कैमरा मैन आपको इस कब्रिस्तान का व्यू दिखाएंगे। आपको मैं एक और भी बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर वो कहते हैं ना कि अच्छे इंसान के हर बंदा मुखालिफ होता है, वही साहब यहाँ पर है कि हमने दो तीन बंदों को यहाँ पर रोका है कि इंटरव्यू देने के लिए, मगर उन्होंने कहा कि हमारी आपसी दुश्मनी है। तो ये तो मैं आपको सबसे पहले यह कहना चाहता हूँ कि किसी के साथ दुश्मनी रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमने कल मर जाना है, जिंदगी का कोई पता तो नहीं है कब हमारी जिंदगी कंप्लीट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए हम आपको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये लड़ाई झगड़े छोड़ दें और आप भाई और अमन चारा रखें, क्योंकि अगर हम मर भी जाएं तो लोग हमें अच्छे अल्फाज के साथ याद करें, ये ना कहें कि ये मर गया तो अच्छा हो गया। ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखें हमारे क्या मैं आपको दिखाएंगे, ये जो आपको ये अभी व्यू दिखाएंगे, ये जो व्यू है ये पार्क नुमा शक्ल में, लेकिन ये कब्रिस्तान है, लोग इसको पार्क बोलते हैं मगर ये कब्रिस्तान है। ये जगह जो है इनके जो मालिक है उनका नाम हाजी सादिक साहब है मरहूम, तो उनकी याद में उनके बेटे ने हाजी फजल साहब झुके, तो उन्होंने ये कब्रिस्तान बनवाया है और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बहुत मेहनत की गई है इस पर, तो बहुत खर्चा हुआ होगा इस पर। तो देखिए कहते हैं कि माँ बाप से बात औलाद का फर्ज है कि उनके मकाम को बुलंद करना। देखिए माशाल्लाह के साथ अपने वालिद साहब की भी कितनी कब्र उन्होंने माशाल्लाह प्यारी बनवाई है, और ये इनकी याद में देखे कितना प्यारा चीज़ बना गई, ये चीज़ें तो यहीं रह जानी है, इनका देखे माशाल्लाह इन्होंने कितना प्यारा इसका व्यू बना दिया है, माशाल्लाह कितना प्यारा हो गया। तो ये है पार्क है आपकी नज़र में, मगर रियल में इसको प्रस्ताव नहीं बोलते हैं। जनाब अगली वीडियो के समय में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तो ये थी हमारी वीडियो आज राजधानी और एक कब्रिस्तान की, जिसको हम पार्क बोलते हैं ज़्यादातर, तो इंशाल्लाह आपकी खिदमत अगली बार हाजिर होंगे। मैं आपके मेज़बान शहर शबीर के साथ डडियाल एच डी टी वी, खुदा हाफिज़।